everyone, this is me Simran and you guys are watching Boogle Bollywood. And now we have Ankit Gupta with us. First of all, Ankit, many, many congratulations for Junooniyat. Thank you so much. How are you? I'm good. I'm very happy. How are you? I'm also good. फिर क्या चल रहा है लाइफ में? देखो ऐसे पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा. नहीं बताओगे. फिर अच्छा क्या चल रहा है लाइफ में? ठीक है. लाइफ में जुनूनियत चल रही है आजकल. किस चीज़ की? ज़्यादा जुनूनियत, कुछ कर दिखाने की जुनूनियत, कुछ बनने की जुनूनियत, लोगों का प्यार पाने की जुनूनियत. कैसा रिस्पांस मिल रहा है अभी जुनूनियत के लिए ऑडियंस का? अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. पर क्या, जितना भी रिस्पांस मिला है ना, वो उन लोगों से मिला है जो ऑलरेडी बहुत प्यार करते हैं. तो फिर मैं उनके लिए कुछ भी करूँ ना, उनको पसंद ही आ जाएगा. वो बोलेंगे अच्छा ही तो किया है. तो हम लोग, मैं पर्सनली वेट कर रहा हूँ, 4-5 दिन हो जाएँ, 5-6 एपिसोड्स आ जाएँ, उसके बाद जो नए लोग जुड़ने वाले हैं उनका रिएक्शन कैसा रहेगा. उडारियाँ के बाद तो देखो आप स्टार ही बन गए थे, है ना? सो क्या लगता है वो जो ऑडियंस थी उडारियाँ वाली, वो डबल प्यार देगी जुनूनियत को? उम्मीद तो यही है, क्योंकि उडारियाँ से ज़्यादा मेहनत हमने इसमें की है और उडारियाँ से बहुत अलग स्टोरी है, बहुत ही एक फ्रेश स्टोरी है, बहुत ही फ्रेश कैरेक्टर्स हैं. और ऐसा शो अभी तक इंडियन टेलीविज़न पे आया नहीं है जिसका बैकग्राउंड, पूरा बैकग्राउंड सेटअप इज़ म्यूज़िकल. तो देखिए क्या रिस्पांस आता है. अंकित, बिल्कुल डिफरेंट करेक्टर है आपका. जैसे उडारियाँ में था शांत, जैसे आप रियल लाइफ में भी हो, एक तरीके से शांत ही था फतेह, है ना? थोड़ा सा हॉट हेडेड था वो, बॉक्सर आदमी था. शांत यहाँ पे है, शांत यहाँ पे. यहाँ पे तो बट आप एक सिंगर हो ना? सिंगर है तभी तो वो कामनेस वो ठहरा हुआ है उसमें, क्योंकि सूफियाना सिंगर है. गाने तो बड़े सीख लिए होंगे, है ना? अरे गाने पूछो मत, गानों ने तो जान ले रखी है. जान ले रखी है. फिर मैं भी थोड़ी सी इन गानों के चक्कर में जान लेना चाहूंगी. प्लीज दो लाइनें. अरे यार मैंडेटरी है, मस्ट है, क्योंकि अब आप शो ऐसा कर रहे हो और आप फिर गाना ना गा के सुनाओ ना, फिर नहीं है ऑडियंस. फिर आपके कान डैमेज होंगे, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा फॉल्ट नहीं है, कोई गल नहीं. ओके चलो. जागी जागी सी है, जागी सी है रूहानियत वे जुनूनियत, अंकित की जुनूनियत. देखो मुझे एक बात बताओ, प्रियंका को कितना याद कर रहे हो आप अभी? प्रियंका को बहुत याद कर रहा हूँ. मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है काश प्रियंका अभी भी साथ होती. हो जाएगी, नहीं है तो जब भी वो इधर आएगी या मैं बॉम्बे जाऊँगा तो हम मिलेंगे ना. अभी मिले ही तो हो आप बिग बॉस के फिनाले. हाँ यार, लेकिन बहुत कम टाइम मिला सच्ची. काश थोड़ा सा और टाइम मिल जाता, बट कोई बात नहीं, जितना मिले उसे अच्छे से काट लो. जुनूनियत के ऊपर और थोड़ा गौर से अपने कैरेक्टर के बारे में एलैबोरेट कीजिए. आप काफ़ी यू नो सीरियस टाइप के अपनी फैमिली को लेके इसमें, इस स्टोरी में आपकी प्लॉटिंग है. सो कुछ और बताइए अपने कैरेक्टर के बारे में खास. जो ये कैरेक्टर है जहान, ही इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैनेडा. एंड इसका लाइफ में एक ही जुनून है, वो है इसकी फैमिली. इसके पैदा होने से पहले इस फैमिली कुछ हुआ था उन लोगों के साथ, जिसकी वजह से इन्हें रातों रात इंडिया छोड़ के कैनेडा भाग के आना पड़ा. और जब जिस वक्त ये लोग आए थे, इन्हें कोई आइडिया नहीं था कि कितने वक्त में ये वापस जा पाएंगे या वापस जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे. तो अभी कुछ 24-25 साल हो गए हैं, 23 साल कुछ हो गए हैं और ये लोग वापस इंडिया नहीं जा पाए. नाउ उसकी जुनूनियत, जहान की जुनूनियत यह है कि वो इंडिया में जाके एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, ताकि अपने पेरेंट्स का नाम क्लियर कर सके, उन्हें इंडिया वापस ला सके. और उस जुनूनियत का ज़रिया बनता है म्यूज़िक. ओके, सो आपको जब पता चला था अंकित कि इस शो में आपके साथ गौतम भी होंगे, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मैं जब बिग बॉस हाउस से बाहर आया, उसके बाद मुझे पता चला कि गौतम इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ जुनूनियत. एंड फर्स्ट टाइम जब मैं गौतम को मिला जुनूनियत के सेट पे, हमने एक दूसरे को देखा एंड वी बोथ जस्ट स्टार्टेड लाफिंग. ओके, और नेहा राणा के साथ आपका कैसा बॉन्ड है? नेहा एंड मी वी एक्चुअली शेयर अ कॉमन फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड परम. तो जब उसे पता चला कि इलाही नेहा कर रही है, तो ही कॉल्ड मी, ही सेड इसका ख्याल रखना. आई सेड ओके. तो वो जो आइस ब्रेकिंग होता है वो बहुत ईजी हो गया. लास्टली अंकित, पंजाब में रहते हो अब तो बहुत टाइम हो गया आपको, है ना? सो मुझे लास्टली बता दीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है पंजाब की जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते? जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, आई थिंक यार बेस्ट चीज़ आपको क्या लगी है पंजाब की अभी तक?
बेस्ट चीज़ तो मुझे सर्दियाँ लगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बिना मैं रह नहीं सकता. तो आई एम वेरी कंटेंट इन माई सेल्फ, वेरी अडेप्टिव. तो जैसी सिचुएशन होती है मैं अडेप्ट करके खुद को मोल्ड कर लेता हूँ. ओके, लास्टली मैसेज टू योर ऑडियंस एंड फैंस. गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल. मैंने कभी सोचा भी नहीं था और सोच से ज़्यादा मिला है. तो प्लीज़ बस ऐसे ही अपना प्यार और अपना सपोर्ट बरकरार रखिए. और बताइए आप सबको जुनूनियत कैसा लगा.